हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन डेप्थ ऑफ लव के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक्टिंग करता हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक्टिंग करता हूँ क्योंकि ए मुझे पसंद है। ए कहकर तैयंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोंगकुक किसी आदमी के साथ मिलने कॉफ़ी शॉप में आया था। वो आदमी कहता है, बॉस जियोन, आपने मुझे जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, अब इसका रिजल्ट मेरे हाथ में है। पार्क जिमिन के मामले के पीछे कुछ लोग हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। किसी ने इसे ऊंचे कीमत पर इस वीडियो को खरीदा और ऑनलाइन पर पोस्ट कर दिया। वीडियो पोस्ट करने के बाद पहले जो कमेंट उस वीडियो में आ रहे थे, उसके अगेंस्ट हेट कमेंट करने के लिए भी लोगों को पैसों से खरीदे गए थे। उन्होंने सक्सेसफुली इस मामले को बड़ा बना दिया है। जोंगकुक कॉफ़ी में से एक सिप लेते हुए कहता है, इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या ये वाउली कंपनी का काम है? डिटेक्टिव कहता है, ओ तो आप इसके बारे में जानते हैं? जोंगकुक कहता है, नहीं, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ। हम दोनों के कंपनी एक ही समय पर डेवलप करना स्टार्ट किया था और अब देखते ही देखते एक दूसरे का कॉम्पिटिशन बन चुके हैं हम, वो भी जिमिन जैसे आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये सोचना आसान है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, लेकिन इस मामलों में हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। आर्टिस्ट के बारे में इस तरह के इन्वेस्टिगेट करके मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं सिर्फ अपने आप को ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि किसी भी मैटर में केयरलेस ना बनूँ मैं, और हमें पतली बर्फ के ऊपर चलने जितना सावधान रहना होगा। मैं नहीं चाहता कोई भी इस मैटर को यूज़ करके हमारा फ़ायदा उठाए या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जोंगकुक अपने कंपनी के प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ मीटिंग ख़त्म करके अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा थक गया था। डोर से अंदर आते हुए उसने अपना कोट उतारना भी शुरू कर दिया था। तैयंग आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ जाता है। लिविंग रूम में जोंगकुक को देखकर तैयंग के चेहरे पर ब्राइट स्माइल आ जाती है। पीछे से तैयंग कहता है, जोंगकुक तुम वापस आ गए, वेलकम होम। जोंगकुक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहता है, क्या तुम अपने अंकल से बात करने का तमीज़ भी भूल गए हो? तुम कैसे अपने अंकल को उनके नाम से बुला सकते हो? तैयंग जोंगकुक के तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अंकल, वो आज तवे फर्श पर जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आता है। आवाज़ सुनकर जोंगकुक तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तैयंग को, जो फर्श पर गिर गया है। जोंगकुक तुरंत भागते हुए तैयंग के पास आकर उसके सामने नी डाउन होकर बैठकर कहता है, तैयंग व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम गिर कैसे गए? तैयंग कहता है, जोंगकुक कहता है, मेरे तरफ देखो, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? तैयंग कहता है, नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, मुझे बस भूख लगी है। जोंगकुक कहता है, तुमने पूरा दिन क्या किया? तुमने खाना भी नहीं खाया। हाँ, तुम कर क्या रहे थे? तैयंग कहता है, वो मैं खाना भूल गया था। आज पूरा दिन मैं बस घर में बैठकर फिल्म देख रहा था और एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जोंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है। जोंगकुक उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया और पिया भी नहीं, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? तैयंग कहता है, जोंगकुक मुझे डांटना बंद करो, भूख के वजह से मुझे अब ठीक से कुछ भी दिखाई तक नहीं दे रहा है, आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा है। जोंगकुक कहता है, तुम पागल हो, आई कैंट बिलीव तुम खुद के प्रति इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? तैयंग कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति केयरलेस नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करते हो? जोंगकुक तैयंग को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे लेकर बेडरूम आ जाता है और उसे बेड पर आकर लेटाकर ऑफिस सूट चेंज किए बिना ही किचन में तैयंग के लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक कुकिंग करते हुए मन ही मन कहता है, दिस डैम थिंग, मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और इस वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और ठीक से उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ, और आज ये सब कुछ हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अगर वो ऐसा नहीं करता तो अभी मुझे क्लोथ चेंज किए बिना उसके लिए किचन में आकर कुकिंग नहीं करना पड़ता। जोंगकुक कुकिंग ख़त्म करके डिश प्लेट में सर्व करके तैयांग के लिए बेडरूम लेकर आता है। जोंगकुक फूड प्लेट तैयांग के हाथ में देकर कहता है, ईट। तैयांग खाते हुए आंखें बंद करके कहता है, सो डिलीशियस। जोंगकुक तैयांग के बगल में बेड पर बैठकर एंग्री टोन में कहता है, नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम पर गुस्सा करूँ तो टाइम पर खाना खा लेना, और अगर मैं घर आने में लेट हो जाऊँ तो ज़्यादा इंतज़ार मत करना। तैयांग बस फूड इंजॉय करने में बिजी था। तैयांग खाना मुंह में देकर कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जोंगकुक बस एक तक तैयांग को घूर रहा था। जोंगकुक कहता है, तुम्हारे हेयर्स को क्या हुआ? तैयांग कहता है, मेकअप आर्टिस्ट कुछ टाइम के लिए मुझे हेयर्स ऐसे ही रखने के लिए कहा है। क्यों, इसमें क्या गलत है, तुम्हें पसंद नहीं आया? जोंगकुक दूसरे डायरेक्शन में देखते हुए कहता है, ये थोड़ा अजीब है, लगता है कमरे में मेरे साथ कोई अजनबी है। तैयांग डिनर फिनिश करके प्लेट कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर इंटेंस लुक से जोंगकुक को घूरने लगता है। अचानक तैयांग खुद को उसके करीब करके जोंगकुक के आर्म्स होल्ड करके कहता है, जोंगकुक आज मैं यहाँ तुम्हें लूटने आया हूँ। जोंगकुक आज मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर जाऊँगा। तैयांग जोंगकुक को बेड पर लिटाकर जल्दी से उसके ऊपर आकर दोनों हाथों से उसे बेड के अगेंस्ट कस कर प्रेस करके कहता है, अभी मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा। जोंगकुक तैयांग के एक्शन से डर गया था। जोंगकुक एक हाथ तैयांग के फेस पर रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, हे क्या हो गया है तुम्हें, मेरे ऊपर से उठो, मेरे ऊपर से हट जाओ, स्टॉप मेसिंग अराउंड, बेवकूफ़ी करना बंद करो। तैयांग जोंगकुक के फिंगर अपने माउथ के इनसाइड लेकर तुरंत इससे शक करते हुए कहते हैं, अंकल इवन इफ आई डाई फिर भी मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मुझसे अलग होने नहीं दूंगा और ना ही मैं तुमसे अलग होऊंगा। जोंगकुक तैयांग की तरफ आंखें बरी बरी करके देख रहा था। जोंगकुक मन ही मन कहता है, तैयांग के करीब आने से मेरे बॉडी के हर एक नर्व्स गहराई से कांपने लगता है, अचानक गर्मी महसूस होती है। तैयांग के बॉडी सेंट हर ब्रीदिंग के साथ मेरे लंच में एंटर कर मुझे पागल कर देता है, मैं क्यों उसे सब कुछ करने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तैयांग डीपली उसके आँखों में घूरते हुए कहता है, तुम हमेशा वर्क में खुद इतना बिजी क्यों रहते हो? हाँ तुम ऐसा इसलिए करते हो ना ताकि तुम मुझसे दूर भाग सको? जोंगकुक कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिजनेस हैंडल करना आसान काम नहीं है, मैं सच में वर्क में बिजी था। तैयांग कहता है, मुझे तुम्हारे बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, वर्किंग फॉर होल फकिंग डेज। कुक लुक एट मी, मेरे आंखों में ऐसा क्या है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो? मेरे अंदर की आंख तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता है? वर्क में तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारे एक नेफ्यू भी है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, घर में तुम्हारे लिए इंतज़ार करता है, बाहर हम साथ में होते हुए भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तुम्हें पता है ना ये बात, बहुत अच्छी तरह से पता है, किसी के सामने हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, बाहर तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारे एम्प्लॉई, लेकिन यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, तुम खुद को सेल में बंद मत करो। जोंगकुक कहता है, लगता है तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तुम ड्रंक हो चुके हो, तुम्हें ड्रिंक करने की परमिशन किसने दी? चलो अब मेरे ऊपर से उतरो और अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं इस बारे में तुमसे कल बात करूँगा। ये कहकर जोंगकुक तैयांग को बेड पर गिराकर खुद बेड से उतारने जाता है, लेकिन तभी तैयांग उसका रिस्ट पकड़कर उसे फिर से बेड पर खींच लेता है। तैयांग जोंगकुक के शर्ट के एज पकड़कर धीरे से पुल करते हुए उसके कान में डीप वॉइस में कहता है, नो प्लीज़ आई सेड नो, मुझे अपने आप से दूर मत करो, प्लीज़ स्टे, मैं तुम्हें पागलों की तरह मिस करता हूँ, मेरे पेरेंट्स के चले जाने के बाद मेरे पास एक तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारे इग्नोरेंस मुझे अंदर से मार रहा है, इट्स किलिंग मी जोंगकुक। तैयांग जोंगकुक के आँखों में देखने लगता है। जोंगकुक
हमेशा तेयंग के आंखों में देखने से खुद को रोकता है, उसके आंखों में देखने से अवॉइड करता है, क्योंकि वो जब भी तेयंग के इन आंखों में देखता है वो बुरी तरह इसमें डूब जाता है, खुद को खोने लगता है। जोंगकुक कुछ कहने ही वाला था लेकिन तेयंग के एक्शन उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। तेयंग जोंगकुक के ऊपर ही लेट जाता है और कसकर दोनों हाथों से उसे हक करके उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। जोंगकुक फिर से स्ट्रगल करते हुए कहता है, तेयंग गेट अप, एक किस तरह के पोजीशन है, अभी उठो। तेयंग उसे स्मेल करते हुए कहता है, क्यों तुम कुछ वियर्ड महसूस कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाँ कुक, योर स्मेल इज सो गुड। जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हें पनिश करूँगा, गेट अप। तेयंग कहता है, डू इट, चलो इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, पनिश मी, अदरवाइज मैं तुम्हें पनिश करूँगा, वो भी बहुत ही हार्डली पनिश करूँगा, मुझे इतने सालों तक तुम्हारे प्यार के लिए तरसने के लिए, हर वो चीज़ के लिए तुम्हें पनिश करूँगा जिस बारे में सोचकर तुमने मेरे प्यार को इग्नोर किया। मैं चाहता हूँ तुम आज मुझे अच्छे से महसूस करो, फिर मैं तुमसे पूछूँगा कि अब तुम्हें क्या लगता है, मैं अभी भी एक किड हूँ या फिर पूरी तरह से एक एडल्ट बन गया हूँ। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, नहीं मैं उसे इस पोजीशन में मेरे ऊपर सोने नहीं दे सकता, वो अभी भी एक बच्चा है मेरे लिए, ही इज सो चाइल्डिश। तभी तेयंग अपने बॉडी उसके बॉडी के अगेंस्ट रैप करता है जिससे जोंगकुक के मुँह से अनजाने में ही एक लाउड मौन निकल जाते हैं। जोंगकुक इसे शर्मिंदा होकर तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता है। तेयंग कॉम्प्लेन करते हुए कहता है, सी तुम अभी भी अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जोंगकुक आई मिस यू अ लॉट, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, क्या तुम मेरे लिए फील नहीं करते हो, क्या अभी तुम अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हो। जोंगकुक अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हारे माता पिता के वजह से मैं अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि हमारा बिजनेस और बड़ा हो सके, डू यू अंडरस्टैंड दैट। तेयंग कहता है, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूँगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम डैड के तरह तुम भी मुझे अकेला मत छोड़ो। जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, ये तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता। तेयंग कहता है, क्यों। जोंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ हर जगह लेकर जाऊंगा तो फिर तुम्हारे एक्टिंग और प्ले का क्या होगा, अब तुम पहले की तरह कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहे हो, अब तुम सेलिब्रिटी बन चुके हो। तेयंग उसे फिर से तेजी से अपने बाहों में खींच लिया और अपने लिप्स से जोंगकुक के लिप्स पकड़ने से पहले कसकर दोनों हाथ उसके बैक पर रख लिया था ताकि वो ज़रा भी मूव ना कर पाए। तेयंग झुककर अपने अंकल के लिप्स पकड़ लेता है और किस करने से पहले सॉफ्टली जोंगकुक के बोथ लिप्स को सक करने लगता है और उसके बाद लाइटली उसके लोअर लिप्स पर बाइट कर लेता है। तेयंग उसके लोअर लिप्स को सक कर रहा था और जोंगकुक अनजाने में ही तेयंग के अपर लिप्स को सक कर उसे पूरे पैशन के साथ किस बैक कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिप्स को क्रेजीली किस करते हुए चबाने लगता है। तेयंग बहुत सालों से इस दिन के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसके अंदर की भूख अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तेयंग किस करते हुए पैंट के ऊपर से ही जोंगकुक के उस हिस्से को ज़ोर से स्क्वीज करता है जिससे जोंगकुक को थोड़ा दर्द हुआ और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू बाहर गिरने लगता है। तेयंग जोंगकुक के लिप्स पर किस करते हुए कहते हैं, मुझे खाने की भूख नहीं था, मैं सालों से इसके लिए भूखा हूँ। तेयंग के एक्शन जोंगकुक के शरीर में कप कपी सी पैदा कर रहा था, उसके होल बॉडी इस तरह से शिवर कर रहा था मानो उसके बॉडी में अचानक करंट लग गया हो। जोंगकुक अपने लाइफ में कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया था, इस तरह के फीलिंग्स उसके लिए भी नया है। तेयंग अपना एक हाथ उसके शर्ट के इनसाइड स्लाइड कर जैसे ही उसके चेरिस को टच कर इसे अपने दो फिंगर के बीच में होल्ड कर थोड़ा रब करता है। जोंगकुक
अपने मुंह से मौन को बाहर निकालने से रोकने के लिए अपने निचले होंठ को काट लेता है। तेयंग कहता है, मैंने कभी अपने अंदर इस तरह की चीज़ महसूस नहीं किया। जोंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, मैं भी। तभी जोंगकुक के मोबाइल बाजने लगता है और जोंगकुक अपने होश में वापस आ जाता है। तेयंग बेड साइड टेबल के ऊपर देखता है और इसी का फ़ायदा उठाकर जोंगकुक उसे बेड पर गिराकर खुद उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक फ़ोन के तरफ देखकर कहता है, इट्स माय फ़ोन। जोंगकुक कॉल पिक करके कहता है, हेलो काई, क्या हुआ है तुम्हें? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? फ़ोन की दूसरी तरफ से काई कहता है, बॉस आपने मेरे लिए किस तरह के घटिया क्रू ढूंढा है? मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। क्या आप इसे इंडस्ट्री के टॉप नॉच कहते हो? ये लोग ठीक से शूट तक नहीं कर सकता और मेकअप ये तो और भी ज़्यादा घटिया है। और सिनेमाटोग्राफी के बारे में मैं कुछ मेंशन ही नहीं करना चाहता। दे हैव नो टेस्ट एट ऑल। जोंगकुक कहता है, काई काम डाउन, सच में ये एक टॉप लेवल टीम है। काई कहता है, नॉनसेंस, मैं ये नहीं करना चाहता। डैम इट। जोंगकुक कहता है, काई मैं तुम्हें शांत होने के लिए कह रहा हूँ। काई इसमें तुम अकेला नहीं हो, हर एक एक्टर के लाइफ में कभी ना कभी डिफ़िकल्टीज का सामना करना ही पड़ता है। उन्हें डिफ़िकल्टीज आता है और तुम भी उनसे अलग नहीं हो। अभी तुम्हारे लाइफ में थोड़ा डिफ़िकल्टीज चल रहा है, इसे हार मानकर गिव अप मत करो। इस फाइट में कोई जीता है और कोई मरता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसमें पास कर जाओगे। तुम जी सकते हो। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम एरोगेंट थे लेकिन मेरे हर बात मानते थे और उसी हिसाब से काम करते थे। और उसके बाद पहले काम से ही तुम बहुत ज़्यादा फेमस बन गए थे। तुम शायद ये दिन भूल गए हो। काई तुरंत कॉल काट दिया। तेयंग कहता है, क्या हुआ है? काई के साथ क्या चल रहा है? जोंगकुक कहता है, अभी वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और कुछ भी समझने की हालत में भी नहीं है। अभी उसे ऐसे ही छोड़ देना अच्छा होगा। एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए फिर मैं उसके साथ बात करूँगा। तेयंग, क्या तुम्हें शूटिंग के समय किसी तरह के डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा है? तेयंग मन ही मन सीन काट होने वाली बातों के बारे में सोचने लगता है। तेयंग कहता है, नहीं, इट्स ओके, मुझे शूट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन लास्ट के जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए। क्या तुम सेट पर मुझे देखने के लिए आओगे प्लीज़? जोंगकुक कहता है, तुम सच कह रहे हो ना कि तुम्हें शूट पर किसी भी तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है? अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें देखने शूटिंग पर आ जाऊँगा। जोंगकुक फ़ोन पर अपना स्केड्यूल चेक करते हुए कहता है, उस दिन तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा और तुम्हारे वर्क देखने वहाँ आ जाऊँगा आप नेक्स्ट डे। तेयंग शूटिंग पर जोंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। बाइक पर स्टैंड करते हुए भी तेयंग बस उसके अंकल के बारे में ही सोच रहा था। शूटिंग में ब्रेक मिलते ही तेयंग मैनेजर ली के पास आकर पूछता है, नोना क्या बॉस सेट पर नहीं आए? मैनेजर ली कहती है, बॉस सेट पर आए हैं, मैंने अभी अभी उन्हें सेट पर देखा है। वह काई के साथ लाउंज में गया है। काई की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए बॉस उसके साथ है और उसने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं उन्हें ढूंढने जा सकता हूँ। तेयंग कहता है, नो नीड, डोंट गो, डोंट डिस्टर्ब हिम। तेयंग को अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे अभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके बॉडी से उसके हार्ट को बाहर निकाल लिया हो। तेयंग के फेस पर एक दर्द क्लियरली दिखाई दे रहा था। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, मैं स्टोरी लाइन अपने हिसाब से चेंज कर दूँगी, तो मैंने स्टोरी लाइन अपने हिसाब से चेंज कर दिया और इसकी एंडिंग भी अब मैं अपने हिसाब से ही लिखूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक चाइनीज़ मनहुआ है और चाइनीज़ बीएल मनहुआ में रोमांस की उम्मीद करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसमें किसिंग सीन भी अच्छे से नहीं दिखाया जाता है। इसमें सब कुछ एक रीडर को खुद इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। गुड नाइट, बाय बाय।